भला करे लेकिन नहीं करेगी, क्यों? हम करने नहीं देंगे। तू मेरे सामने आकर बंदूक दिखाने आ गया। ज्यादा मत चिल्ला वरना मैं चिल्ला दूंगा, अपने हाथ मछली मर जाएंगे। क्या क्या कैसे चिल्लाएगा तू? जी हम लोगों ने सारे बुरे काम छोड़ दिए। हाँ हम लोग छोड़ दिए सब छीने रहे उन्हें रहे। हम लोग सुधर गए हैं अब। बेटी सारे बुरे काम हम लोगों ने छोड़ दिया, हम और तुम्हारे पापा बिल्कुल समझ लो ये खंभा तो सारा कुछ टेढ़ा पड़ेगा, बिल्कुल सीधे हो चुके हैं, बाथ की तरह सफेद हो चुके हैं। बेटी तुम्हारे पापा को मालूम हो गया है कि तुम अमर बेटे से प्यार करती हो, इसीलिए तुम्हारे पापा तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले अमर बेटे को अपना दामाद मान करके सारी रियासत का वारिस बनाना। वाह चचू, बेटी अमर बेटे को मेरे साथ दे दो। वाह चचू वाह, कितनी आप अच्छे ढंग से मीठी मीठी बात अपने बेटी को सुनाते हैं, जैसे तुम्हारी बेटी कुछ जानती ही नहीं है। वाह मैं तेरी मीठी बातें पे कभी नहीं आऊंगी। कहने का मतलब हमारे को विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है, मैं देख चुकी हूँ ना। सही बात, तू विश्वास घाती हो। बेटी हम सही कह रहे हैं, हमारे अपने पापा पर कभी विश्वास नहीं। हम दोनों नंगा होकर नंगा होकर गरम तावे पे बैठ के बोले जब भी हमारी बातों पर। चाचू मगर मेरी जान चली जाए तुम्हारी बातों पर और पापा के बातों पर मैं कभी विश्वास नहीं करने वाली हूँ। लेकर चला गया और आपको नालायक मैं समझ रही हूँ उसके साथ ए बदतमीज ना जाने क्या कर डालेगा। मियां भगवान ये मैं क्या देख रही हूँ, ये तो वही लड़की है जो उस दिन हमारी जान बचाई थी। मेरे वाले कह रहे थे आ गए मन वाले हार्दिक उपसेबु भाई, हार्दिक उपसेबु भाई इनके तरफ से हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। मेरे स्वामी जी को ये हराम खोर मेरा चाचा जी ने उठा ले गया। अमर बेटे तुम हमारे कर्जदार हो बेटा, इसका घर पे दस्तखत कर दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे, वरना हम लोग बहुत कमीना आदमी तुम्हें बर्बाद कर देंगे बेटा। चलिए साहब ये हम भी जानते हैं कि हम आपके कर्जदार हैं, अगर मैं इस कागजात पर अपना सिग्नेचर कर दूंगा तो आप मुझे छोड़ दोगे? जरूर। हाँ बेटा हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं। कमर पकड़ो क्या कर दो कर लो, समय नहीं है, टाइम नहीं है भाई। बढ़ाओ नहीं तो हाथ उठाओ कहीं बीच में चले गए। पर बाबू साहब ये देखो रे कागज है। अरे बेटा जलेबी खाओ, कौन से रिफाइंड की बनी इसको मत देखो। सही कह रहे हैं। कौन जा रहा है, कौन सा रिफाइंड बनी, झट पर रिफाइंड मिला रहे हैं, हाथ में कोई जला रहा है, कोई नहीं। चौधरी साहब ये हो गया। क्या चौधरी साहब क्या अब इसके पास क्या रह गया? कुछ नहीं, रहने का घर नहीं, सोने का बिस्तर नहीं, कटा इंजन हो गया बेचारा। सही कह रहे हैं। क्या करूं उसका, सुंदर काया को खूब से क्यों तड़पाए गया? इसे मार डालो, ले जा ले जा आराम जाति को पहाड़ी के पीछे मार के फेंक दे। अभी तो आप लोग कह रहे थे ना कि मुझे छोड़ देंगे सुल्तान। यही तो बात है सुल्तान, पता है यार इसे, पता है बहुत अव्वल दर्जे के नीचे में जो महान नीच कहते हैं उसे करते नहीं, और जो करते उसे तभी कहते नहीं है, कहते नहीं। तो यानी आप लोग मुझे नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा।
राम बलवंत सिंह। आप लोग जानते हैं कैसे हमारे पीछे चला, जिस तरह से कसाई के पीछे बैल चलता। सुल्तान सिंह बोल, आखिर तारी मेरी दुश्मनी क्या है यार? चांदनी, तू चांदनी? हाँ हाँ, मैं भी चांदनी से प्यार। हाँ, मैं चांदनी से मुझसे प्यार करती है। चुप है, हम कहाँ थे नाच की बजा के झिमुर बैठ के कपड़ा हुई खोई क्या? हाँ हाँ, मैं प्यार करता हूँ। मौत के घाट उतार दूंगा। गाय घाट देखा है तू ना? लेकिन अब मौत घाट देखेगा। नवा घाट हम लोग चलाए हैं, नवा घाट। शमशान घाट देखा है, लेकिन ये घाट मौत घाट है बेटा। ये कभी दुनिया में बना नहीं, मौत घाट हम लोग बनाए हैं। हम लोग बनाए हैं, चल मरने के लिए तैयार। नंबर एक, नंबर दो। जो मुर्गियों का कलेजा खाते हैं उनका कलेजा छोटा होता है, छोटा होता है। हम लोग इंसान का कलेजा खाते हैं, इसलिए बड़ा रहता है। मार ले के एक छुपा, अच्छा मार दे तो ये तबला बजा देगा बेटा। हां, नंबर एक और नंबर दो। मैं तालू चांदू सुल्तान सिंह हाथी के बदन पर लगाना नहीं, वरना गोली चलाऊंगा साले। जब भी पाओ आगे तो हर के बढ़ाना। मुझे मार कर अपने रास्ता घाटा साफ करना चाहता है, बस इतनी सी बात है। तू चांदी से सच्चा प्यार करता है या उसकी जिंदगी से खेलवा करता है? सच्चा प्यार करता हूँ। अगर चांदी से सच्चा प्यार करता है तो मर गए तुझे मारने वाले। जब तक चाकू भैरव सिंह जीता है कोई तेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। लोजी सरदार जी, ये लड़का जहाँ जाना चाहे इसकी मर्जी तक इसे छोड़ कर आ। चलो जहाँ तुमको चलना, मैं साथ में चलूँ। चलो क्या बताओ, इसकी सूरत तो अमर जैसे लग रही है, लेकिन नहीं अमर का होगा। अमर की दोनों हाथ तो स्वभावती ने फोड़ डाला है। ए पागल, अभी तक अरे तू रोने लगी क्या बात है? बाबूजी मैं पागल नहीं हूँ। तू पागल नहीं है, तू यह बताओ कौन राजा था जिसने तुझे पागल बनने पर मजबूर कर दिया? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ की रहने वाली है? तेरे परिवार में कौन कौन से लोग हैं? बाबूजी मैं पागल नहीं हूँ बाबूजी, मैं तो इसी चांदपुर की रहने वाली हूँ। और मेरे परिवार में मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम अर्जुन सिंह है, और मेरी भाभी है जिनका नाम शोभावती है, और मुझसे बड़े भैया है जिनका नाम अमर है। बाबू मैं तो पागल नहीं।
उसी समय चौधरी बलवंत सिंह की बेटी आकर के मेरी जान बचाई बाबूजी, और उन्होंने कहने लगी कि बहन मैं तुम्हारी जान कब तक बचाती रहूंगी, तुम्हारी इज्जत कब तक बचाती रहूंगी, तुम मेरी बात मानो, तुम यहाँ से काफी दूर चली जाओ बहन, नहीं तो मेरा बाप कमीनर नगर आपको कहीं पाएगा तो तुम्हारी इज्जत लूट लेगा। बाबूजी मैं पागल नहीं हूँ, मेरा नाम काजल है। पागल बनने पर मजबूर किया गया। क्या परवाह था? जिस बहन को मैं दर दर की ठोकरे खाता ढूंढता रहा, आज मुझे बहन मिली भी तो इस साल में कि अपने भैया को पहचान भी नहीं पा रही। अरे काजल, मैं कोई दूसरा नहीं बल्कि वही तेरा अबागा भाई। और सुनो तुझे गले से लगा ले के लेता रहा हूँ सिंह। मैंने अपनी बहन को खून पसीना बहा कर पाला, जिसके जिसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तूने साले उसी की आंखों से चला बहवा दिया। मैं अपनी बहन की सौगंध खा कर कह रहा हूँ, अपनी बहन के एक एक आंसू का बदला कर तुझसे ना लिया तो मेरा नाम का कुछ फैलो से नहीं। जय बाभन। एक सूचना मिली है, बहुत खुशखबरी की बात है बे। आज शोभा ने फोन किया था, वो जमीन जायदाद का सारा कागजात लेके आने को बोली है। एक बार कागजात मिल जाए तो इस महिला का भी उद्धार हम कर देते हैं। चलो चलते हैं गोल्डन नाइन मनाते हैं। अरे गोल्डन की बात हो रही, सिल्वर सही नहीं मिल रहा था। अरे दिमाग शोल्डर हो गया है। ए तो शोल्डर गिरा दिया सारे ने। कागजात लाए हो कि नहीं लाए हो? हां कागजात लाए हो कि नहीं? का साले कागजात दे। अरे कागजात मैं अलमारी में भूल गई। अरे मैं ओका खोला जी, अब ये लाइटिंग बड़े बादन आज चालू करत रहे। अंदर एक लाइट हराई गई बेचारे के, लाइट छू के मर जाऊंगा अगर कागजात नहीं लाए तो। बेवफाई मत आते कर ले छोड़। ना 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 लीजिए लीजिए भाई, तुम भी यार कितनी बेवफा हो गए। चलो चलते हैं कि हमारा बदन झूठ न जाने। अबे हम लोग थोड़ा छान नरम करेंगे। मारे को जमा पहले का बाजा। ए उधर चल, मारे चूती के द्वार। ए साली, तुझसे तो हमारा ये गोल्ड स्टार नहीं प्यार करता है। गोल्ड स्टार कहां से प्यार करेगा? जवान घोड़ा तो बड़ी स्मॉल है यार ना। सारी जब तू अपने पति अपने देवर अपने ननद की नहीं हुई तो हमारा हमारे छुटवा। सारी नंदी बेस्या सारी हजार मर्दों से पेट। अरे नंदी नंदी कावन फिल्म
बहुत बुराई पैदा एक बात सुन ले दाढ़ी फाड़ ले छोटवा जिस औरत के मथे पर एक बार बेसिया का लेबल चिपक जाए तो सारी जिंदगी वो बेसिया ही कहला भले ही कितना पूजा पाठ तेरे से पहले 20 महिलाओं का उद्धार किया हूँ तो हम दाढ़ी फाड़ तेरे बाप के लाश से मारूंगा साली रंडी की तरह सगी है साली अरे 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 तुझे कौन रखेगा रे इक्कीसवीं महिला का उद्धार हो गया छोड़ो कागजात दे बेटा क्यों क्या करेगा ले हम अच्छा कितनी जमीन है उसकी 12 है अबे 12 साले बारह हिस्सा जमीन कर रहा हूँ 12 में बंटवारा कितना करेगा अबे साले छक्के नहीं मेरी बात सुनो 6 हिस्सा जमीन की बात कर रहा हूँ क्या पड़े क्या पाएगा बे चल चौधरी पलवन सिंह से सारी रियासत लिखवाते हैं उसके बाद बंटवारा करेंगे बेटा।